महिलाओं को अकेला पाकर उनके साथ चैन स्नैचिंग की वारदात देने वाले शातिर बदमाश को झांसी पुलिस ने दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध कई छिनैती के मामले दर्ज हैं। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के निर्देशन में नवाबाद पुलिस ने एक चैन स्नैचर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। झांसी के नवाबाद कोतवाली व सीपरी बाजार थाने में महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की घटनाएं काफी समय से सामने आ रही थी। अपराधी ज्यादातर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसके बाद जब पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चैन स्नैचर सुबह के समय मऊरानीपुर तिराहे से मंडी की तरफ मौजूद है, इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को घेराबंदी करते हुए दबोच लिया। पकड़े गए अभियुक्त आसाराम के पास से दो मंगलसूत्र, एक लॉकेट, प्लेजर स्कूटी और देसी तमंचा बरामद हुआ। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी नवाबाद अजय कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश पाल, उप निरीक्षक परमिंदर सिंह, उप निरीक्षक शिव कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 इनाम की घोषणा की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार चलाए जाते रहे हैं। विगत कुछ दिनों में चैन स्नैचिंग की घटनाएं महिलाओं के विरुद्ध थाना सीपरी बाजार थाना नवाबाद थाना कोतवाली में घटित हुई थी। इसके लिए संवेदनशीलता से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। एक टीम में स्वयं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश कुमार सिंह को भी लगाया गया था कि वो भी सुबह इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास करें या व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का प्रयास करें जिनके द्वारा चेन स्नैचिंग की घटनाएं संपादित की जा रही हैं। मिशन शक्ति अभियान भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसी बीच चलाया गया था। तो प्रभारी निरीक्षक नवाबाद की टीम ने, तीन चार टीमों में से जो प्रभारी निरीक्षक नवाबाद की टीम थी, उन्होंने एक व्यक्ति आसाराम जो हसारी के पास का रहने वाला है, थाना प्रेम नगर का, इसको गिरफ्तार किया। इसका मोडस ऑपरेंडी, अपराध करने का तरीका यह पता चला कि इसके द्वारा अकेले ही एक स्कूटी पे सवार होकर के उन महिलाओं से जो मंदिरों से वापस आ रही हैं या घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं, अकेली पा करके गलियों के अंत में चेन छीन के भाग जाता था और उसको बेच देता था। ये दो ढाई साल से इसने घटनाएँ करना स्वीकार किया है। अभी तक 7 अभियोगों का अनावरण हो चुका है और इसके कब्जे से तमंचा और कई सोने की चेनें, जिसका विवरण आपको प्रेस नोट में दिया गया है, बरामद हुए हैं। इसकी कॉल डिटेल्स के आधार पे और देखा जा रहा है कि इन्होंने और क्या क्या अपराध किए हैं, उनका भी अनावरण इस क्रम में किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अराजपत्रित अधिकारियों की टीम है, इसको 25,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।